हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक, फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ISO 22000 2018 एंड FSSC 22000। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बताऊंगा ISO 22000 स्टैंडर्ड को FSSC से क्यों जोड़ा गया है, GFSI क्या होता है, GMP क्या होता है, GFSI एंड GMP के बारे में लोगों को इतना पता नहीं होता है, और इसके साथ ये भी कन्फ्यूजन रहती है ISO 22000 अधूरा स्टैंडर्ड है क्या। तो ये कन्फ्यूजन इस सेशन के बाद आपकी दूर हो जाएगी। सो गाइज, लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। अगर आप एक परफेक्ट QMS MR बनना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर पर कॉल करें। दोस्तों, ISO 22000 होता क्या है, इसे पहले समझेंगे। ISO 22000 2018 इज ए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाइड बाय द फूड इंडस्ट्री अक्रॉस द वैल्यू चेन। इट फोकस ऑन अप्लाइंग द फंडामेंटल्स ऑफ क्वालिटी सिस्टम्स एज पर ISO 9001 इन मैनेजिंग ए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इज नॉट कंप्रोमाइज्ड इन एनी वे। ISO 22000 स्टैंडर्ड कैन अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टिसिपेट इन फूड प्रोडक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोस्तों, ISO 22000 2018 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और यू कैन से FSMS स्टैंडर्ड है, जो कि फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड इंग्रेडिएंट सप्लायर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ISO 22000 स्टैंडर्ड ISO 9001 स्टैंडर्ड से ड्राइव किया गया है, क्योंकि ISO 9001 प्रोडक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक फंडामेंटल्स और यू कैन से बेसिक गाइडलाइंस को डिस्क्राइब करता है। इसी सिमिलरली इन अदर हैंड ISO 22000 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में बेसिक गाइडलाइंस को डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों, ISO 22000 एंड ISO 9001 ये दोनों स्टैंडर्ड सिमिलर हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लॉजेस सेम हैं बट रिक्वायरमेंट डिफरेंट हैं। ISO 9001 में प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड है, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंड ISO 22000 रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो इसे हम समझते हैं, इन दोनों में जो स्टैंडर्ड में जो सिमिलैरिटी है, उस सिमिलैरिटी को क्या कहते हैं, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। दोस्तों, ISO 22000 एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया है, जैसे फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग, केमिकल एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, कैटर्स एंड रिटेलर्स, फूड स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक सप्लायर्स, फूड मेकिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर इक्विपमेंट, पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री सर्विसेज, एनिमल फूड प्रोडक्शन, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, ये ISO 22000 सबसे पहले 2005 में इशू हुआ था, देन उसके बाद ISO 22000 2018, ये जो स्टैंडर्ड है, लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, यही स्टैंडर्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए अभी एप्लीकेबल है। ISO 22000 2018 इज़ ए हाई लेवल स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एंड कॉम्पेटिबल विद अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइक ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 एंड IATF ETC। ISO 22000 2018 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर
जीएमपी स्टैंडर्ड अलोंग विद पीआरपी रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड। ये जीएमपी क्या होता है अभी आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे आपको मैंने बताया था आईएसओ 22000 एंड आईएसओ 9001 के अंदर सिमिलैरिटी है, इन दोनों स्टैंडर्ड में क्लॉज सेम है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है एज पर द एप्लीकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, ओके, या फिर नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो ये जो स्टैंडर्ड है हाई लेवल स्ट्रक्चर है, हाई लेवल स्ट्रक्चर का मतलब है ये सभी स्टैंडर्ड कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं, इनके अंदर कॉमन क्लॉजेज हैं, 10 क्लॉजेज एप्लीकेबल हैं सभी स्टैंडर्ड में, बट रिक्वायरमेंट इनकी डिफरेंट है, इसीलिए इनको हाई लेवल स्ट्रक्चर बोला जाता है। दोस्तों इन सभी स्टैंडर्ड को हाई लेवल स्ट्रक्चर क्यों बना दिया गया है? इसलिए बना दिया गया है कि किसी भी इंडस्ट्री में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे कि हमने अभी आपको बताएंगे ISO 22000 को सेपरेटली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ओके, क्यों नहीं कर सकते ये भी बताएंगे। तो इस स्टैंडर्ड को दूसरे स्टैंडर्ड के साथ में कंबाइन करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उन उस कम्बिनेशन को ईजी करने के लिए इन सभी स्टैंडर्ड को हाई लेवल स्ट्रक्चर बना दिया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ISO 22000 2018 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अदर GMP स्टैंडर्ड अलॉन्ग विद PRP रिलेटेड टू देयर स्टैंडर्ड्स। PRP मीन्स प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स। दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। अब समझते हैं GMP होता क्या है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP स्टैंड ऑन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज ए मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सिस्टम टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट फूड सेफ्टी क्वालिटी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, ओके। डिफरेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए सेपरेट एडिशनल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जो कि FSSC 22000 के अंडर आते हैं, इनको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। ISO 22000 2018 अधूरा स्टैंडर्ड है या नहीं? तो दोस्तों ISO 22000 2018 अधूरा स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कि किसी भी फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी हैं, बट इसको हम सेपरेटली इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ISO 22000 इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय GFSI। GFSI स्टैंड ऑन ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव, ओके। GFSI को भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी कवर करता हूँ, इससे पहले हम इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या ISO 22000 2018 को हम सेपरेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? वैसे तो आपको मैंने इसका आंसर दे दिया है, मगर फिर भी इट बेसिकली डिपेंड ऑन योर कस्टमर रिक्वायरमेंट वेदर दे वांट यू टू हैव ए GFSI रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन स्कीम इन प्लेस और नॉट। इफ़ योर कस्टमर रिक्वायर्स ए कॉम्प्रीहेंसिव GFSI रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन देन यू वुड नीड टू गो फॉर FSSC 22000, अदरवाइज यू कैन इम्प्लीमेंट ISO 22000 2018 एंड बी ऑडिटेड अगेंस्ट इट। तो इसका मतलब है दोस्तों आफ्टर ऑल सप्लायर कस्टमर और मार्केट ड्रिवन होता है। अगर आपके मार्केट की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर फूड नेचर, आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपका कस्टमर ओनली ISO 22000 2000 स्टैंडर्ड से सेटिस्फाइड है देन यू कैन अप्लाई ओनली फॉर दैट, अदरवाइज आपको FSSC पे ही जाना है। तो आज के टाइम पे किसी भी काइंड की जो फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसे FSSC 22000 का सर्टिफिकेट ही लेना होता है। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं FSSC 22000 क्या होता है। फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन, तो यहाँ से आपको ये पता लग गया FSSC स्टैंड ऑन फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेशन। FSSC 22000 इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन स्कीम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ISO 22000 एंड ISO टेक्निकल स्टैंडर्ड अलोंग विद PRPs एज वेल एज FSSC एडिशनल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ISO को हम सेपरेटली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमें किस कहाँ जाना पड़ेगा, FSSC 22000 पे। तो FSSC 22000 कॉम्बिनेशन है ISO 22000 का एंड इससे रिलेटेड ISO टेक्निकल स्टैंडर्ड, ओके, जिसमें आपके फूड मैन्युफैक्चरिंग के नेचर के अकॉर्डिंग कौन सा टेक्निकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्शन करना है, तभी आप ISO 22000 एंड उस स्टैंडर्ड के साथ में FSSC 22000 के लिए एप्लीकेबल हो।
तो दोस्तों FSSC 22000 वर्जन 5.1 लेटेस्ट वर्जन है, जो कि जून 2019 में पब्लिश हुआ था और ऑडिट कब हुआ था, जनवरी 2020 में। ये जो टाइम पीरियड था, ये ट्रांजिशन टाइम पीरियड था सप्लायर्स के लिए। दोस्तों FSSC 22000 क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि FSSC 22000 GFSI से रिकॉग्नाइज्ड है। अभी मैंने आपको बताया था ISO 22000 इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय GFSI, इसीलिए ISO 22000 2018 को सेपरेटली हम किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि GFSI से ये रिकॉग्नाइज नहीं है। GFSI क्या होता है, इट स्टैंड ऑन ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव, इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ड्रीवन इनिशिएटिव फॉर द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स टू इंश्योर कॉन्फिडेंस इन द डिलीवरी ऑफ सेफ फूड टू कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड। GFSI कोऑर्डिनेटेड बाय ए ग्लोबल फूड नेटवर्क, दिस नेटवर्क कॉल्ड CGF कंज्यूमर गुड फोरम, मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400 रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड वाइड। दोस्तों CGF के अंडर 400 से ज़्यादा रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, जो कि फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टैंडर्ड को फाइनली अप्रूव करते हैं ग्लोबल लेवल पे। GFSI स्कीम्स आर ए यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड बाय विच फूड कंपनीज आर जज फॉर फूड सेफ्टी ड्यूरिंग थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। दोस्तों GFSI सप्लायर्स को किसी भी तरह का फूड से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करती। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड की क्वालिटी एंड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड रूल्स और यू कैन से स्कीम तैयार करती है। उसी स्कीम के बेस पे थर्ड पार्टी को सप्लायर्स को असेसमेंट करना पड़ता है। अगर सप्लायर GFSI की स्कीम के अकॉर्डिंग वो कैपेबल है, सारी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट किया है, तो थर्ड पार्टी उसको सर्टिफिकेट रिलीज कर देती है। व्हाट आर दी GFSI अप्रूव्ड ऑडिटिंग प्रोग्राम्स और यू कैन से स्कीम, GFSI के अंदर कितनी स्कीम आती हैं जो कि इन्होंने प्रिपेयर की हैं। फर्स्ट है सेफ क्वालिटी फूड SQF, सेकेंड BRCS ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फूड सेफ्टी, ये भी मैंडेटरी होता है किसी भी इंडस्ट्री को अगर इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे अपना फूड को सप्लाई करना है तो BRCS का सर्टिफिकेट भी उसको लेना पड़ता है एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। थर्ड कनाडा गैप, इट्स अ कनेडियन स्टैंडर्ड। फोर्थ इक्विटेबल फूड इनिशिएटिव। फिफ्थ FSSC 22000। दोस्तों ये FSSC स्टैंडर्ड ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिया में इसी को ही एप्लीकेबल किया जाता है किसी भी काइंड की फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। सिक्स्थ है फ्रेश केयर। सेवन्थ ग्लोबल एक्वाकल्चर अलायंस सी फूड। एट ग्लोबल रेड मीट स्टैंडर्ड GRMS। नाइन्थ ग्लोबल GAP। टेंथ इंटरनेशनल फीचर स्टैंडर्ड IFS। एलेवेंथ जापान फूड सेफ्टी मैनेजमेंट एसोसिएशन GFSM। 12 जापान गैप फाउंडेशन। 13 प्राइमस GFS स्टैंडर्ड। तो दोस्तों ये 13 स्टैंडर्ड और यू कैन से ये 13 स्कीम हैं जो कि GFSI के अंडर आती हैं और GFSI से अप्रूव्ड हैं। इनमें से FSSC बहुत मैंडेटरी है, यही इंडस्ट्री में ज़्यादातर चलता है। द प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज्ड टू अटेन FSSC 22000 वर्जन 5.1 सर्टिफिकेशन इज ISO 22000 2018 इन कम्बिनेशन विद आइदर वन ऑफ द ISO टेक्निकल स्टैंडर्ड बिलो डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर। तो फूड कैटेगरी के अकॉर्डिंग या इंडस्ट्री के कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अगर FSSC का सर्टिफिकेट लेना है तो वर्जन 5.1 के अकॉर्डिंग ISO 22000 2018 तो लेना ही है, उसके साथ आपको टेक्निकल स्टैंडर्ड को चूज़ करना है। तो कितने टेक्निकल स्टैंडर्ड आते हैं ISO के अंदर, फर्स्ट है ISO TS 22002 पार्ट 1 2009 फूड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ये ISO TS 22002 पार्ट 2 2013 ये कैटरिंग से रिलेटेड है। ISO TS 22002 पार्ट 3 2011 फार्मिंग से रिलेटेड। ISO TS 22002 पार्ट 4 2013 फूड पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यही स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है।
नेक्स्ट ISOTS 22002 पार्ट 6 2016 फीड एंड एनिमल फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। PAS 221/2013 रिटेल एंड सुपरमार्केट्स के लिए है। NEN NTA 8059/2016 ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज से रिलेटेड है ये। सो फ्रेंड, दिस इज द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन FSSC 22000 एंड ISO 22000 2018। थैंक यू।